सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ मेरी बाइक की फर्स्ट सर्विस के लिए। ऑलमोस्ट फ्रेंड्स 1000 में मेरे को बुलाया गया था, बट ऑलमोस्ट मैंने 1500 किलोमीटर के आसपास मैंने बाइक को चला लिया है और सर्विस का टाइम हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं यामा के शोरूम पे और अपने बाइक का सर्विस कराते हैं और देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लाइक समथिंग ऑयल चेंजेस और कुछ कुछ है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, मैं बाइक का जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ये बबल वाइज़र जो मैं सोचा हूँ लगवाऊंगा करके, वो लगवाऊंगा। सो फ्रेंड्स, वो मैं बाद में लगवाऊंगा, अभी फर्स्ट जो है वो काम है मेरा बाइक का सर्विस। तो फ्रेंड्स, मैं अभी चल रहा हूँ बाइक का सर्विस के लिए और देखते हैं वहाँ कैसा है क्या है सर्विस में, क्या क्या होने वाला है बाइक के साथ। और सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमको लेना है राइट, नो नो नो, आगे से राइट है शायद तक। सो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। यहाँ पे सिग्नल था और ये यहाँ पे टेंपल मंदिर है और आई थिंक यहाँ पे बस स्टॉप है। बस स्टॉप, यहाँ से बस निकलती है और फिर आगे चलते हैं फ्रेंड्स। गाइस, यहाँ से मैं लेता हूँ टर्न और फिर वहाँ आगे है शोरूम। सो फ्रेंड्स, ये मैंने ले लिया टर्न, राइट टर्न और यू टर्न सॉरी, और फिर आगे अब जाना है हमको। और यहाँ पे आगे में यामा का शोरूम, वहाँ में हमें अपनी बाइक की करानी है सर्विस। तो फ्रेंड्स, ये है यामा का शोरूम, यहाँ पे बहुत सारे बाइक हैं न्यू न्यू और गेट है खुला, लगता है लंच टाइम है। सो गाइस, हम वेटिंग रूम में अब करेंगे वेट और मैंने दे दी है बाइक को सर्विस के लिए। मैम देख रहे हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है और सामने आप देख सकते हैं बाइक के पास खड़ी है वो और हम वेट कर रहे हैं यहाँ बैठकर। सर्विस का काम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स, अब हम करते हैं वेट थोड़ा सा। गाइस, आप देख सकते हैं ऑयल हो गया है पूरा ख़राब, ब्लैक ब्लैक, और इसको करना है अभी चेंज। गाइस, देखता हूँ कौन सा ऑयल डाल रहे हैं भैया लोग। क्या है ये? यामा ल्यूब स्पोर्टी प्रीमियम, यामा यामा का ऑयल है भाई भाई। और ये बाइक इज़ रेडी ऑयल लेने के लिए। सो फ्रेंड्स, पूरा तैयारी हो चुका है और ये डब्बे से ऑयल निकाल रहे हैं भैया जी और अब डालने वाले हैं इसमें फ्रेंड्स। ये कितना देखो, देख सकते हैं इसके अपेक्षा जो पहली वाली ऑयल थी जिसे भैया ने निकाला, वो कितना ब्लैक हो गया था। और आप देख सकते हैं कितना क्लीन ऑयल इसमें फिर से डाला जा रहा है फ्रेंड्स। ये जो है समय समय में बाइक का जो है मेंटेन के लिए ये सब चीज़ ज़रूरी है फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट ये गाड़ी की मेरी फर्स्ट सर्विस है एंड ऑयल जो है इतना ब्लैक ब्लैक निकला। एंड देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरा कितना प्योर ऑयल इसमें अभी डाला गया है। आप देख सकते हैं ये ऑयल पूरा अंदर चला गया बाइक का। और कूलेंट वूलेंट तो सब सही है अभी, भैया बता रहे हैं। ऐसा क्या ओपन ही रहता है ना, अलग से नहीं लगता है। और जैसे ये निकल सकता है ना, ये इसको भी निकाल देते हैं क्या? हाँ, और नंबर प्लेट से नहीं, अपन को जैसे कि नंबर प्लेट नहीं लगाना है, पीछे निकालना है तो नंबर प्लेट नहीं लगाना है, आगे लगाना है यार। या तो फिर आगे का निकालना है, पीछे नहीं लगाना, पीछे लगाना है। पीछे लगाना तो अच्छा, पीछे लगवाऊंगा, आगे निकलवा दूंगा, है नहीं? तो गाइस, काम हो गया कंप्लीट, अब ये जाएगा वॉशिंग के लिए। तब तक हम बैठते हैं वहाँ। और ये मेरा बाइक हो गया है साफ, पूरा क्लीन। इसका जो वॉशिंग का काम है वो होने को है कंप्लीट पूरा, और 90% पूरा वॉशिंग हो चुका है, देख सकते हैं गाइस। ब्रो को लग गया है ब्रोर बैठे बैठे, और अंकल बैठे हैं बाजू में वेट करते हुए। सो गाइस, ये लास्ट बचा है बाइक का काम, पूरा फिर हो जाएगा कंप्लीट 10 मिनट में। और ये स्प्रे स्प्रे सब मारे भैया चैन वैन में, धूल वूल जम जाता है। और ये पूरा कंप्लीट देख सकते हैं, पूरा बाइक हो गई है चकाचक एकदम न्यू, पहले जैसी लग रही है। अब बाइक एकदम प्यारा सा लग रहा है, फुल अच्छी लग रही है पूरा।
ये ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है फ्रेंड्स, अब हम निकलने वाले हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। सो गाइस, पूरा बाइक हो गया है क्लीन, नीट एंड क्लीन, कहीं भी एक जगह धूल वूल धक्कर नहीं दिख रहा है, मस्त साफ़ सुथरा हो गया। और फ्रेंड्स ओनली 590 रुपीज़ लगा मुझे सर्विस चार्ज फर्स्ट टाइम।